क्या आपने कभी बिना बेसन की पकौड़ी खाई है? नहीं तो आज बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल बाजार जैसी पकौड़ी हम बिना बेसन के तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही क्रिस्पी और बिना बेसन की पकौड़ी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मुरमुरे लिया है, तो मैंने 1 कप मुरमुरे का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश ताज़ी दही, तो 1 कटोरी मैंने दही का भी इस्तेमाल किया है। और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, आप एक बार ये पकौड़ी ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बिल्कुल इसका स्वाद जो है आपका अलग लगेगा खाने में, क्योंकि ये बिना बेसन की ये पकौड़ी तैयार होने वाली है। तो इसको हम ना इस तरह से करके रेस्ट पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और मुरमुरे अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हमने डालना है आलू, तो ये उबला हुआ आलू है, मैंने 2 आलू को इस तरह से उबाल लिया है। इसको हम इसमें ना मैश कर देंगे बारीक। और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और प्याज, 1 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। सारी चीज़ों को इसमें डाल देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, या आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, कलर के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से डालें। गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक इसमें थोड़ा कम ही डालें, तभी इसका टेस्ट जो है बढ़िया बन के तैयार होगा। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे, जैसे हम पकौड़ी के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया है इसको, मिश्रण बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए तेल भी इधर गर्म हो गया है। एक एक पकौड़ी को इसमें डाल देते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए पकौड़ी तल करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये बिना बेसन की पकौड़ी है। तो अगर आप इसे ज़्यादा तेल में नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको बना करके दिखा देती हूँ। तवा पे थोड़ा सा तेल लगा लें और इसको टिक्की की तरह शेप देकर इसको सेक लें। और देखिए दोनों तरफ से तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, बिना बेसन की कुरकुरी पकौड़ी तैयार हो गई है। बिल्कुल अलग तरीका है पकौड़ी बनाने का, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज की हमारी ये अलग तरीके की पकौड़ी की रेसिपी आपको 2 तरीकों से कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।